दोस्तों 51 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज सिर्फ एक चीज़ को खा लेने से दूर हो जाएगा और सिर्फ 3 दिन में आपको फर्क दिखने लगेगा। दोस्तों अगर आपको वात पित्त और कफ की समस्या है तो होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ उसकी हमारी आयुर्वेद की किताब चरक संहिता में भी वर्णन किया गया है। इसमें 51 से भी ज़्यादा बीमारियों को ठीक करने के तरीके बताए गए हैं, लेकिन इसे लेना कब है, किस समय पर लेना है, किस चीज़ के साथ लेना है, ये सारा कुछ अलग अलग तरीका आज मैं आपसे बताने वाली हूँ। दोस्तों ये सिर्फ 3 दिनों में ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा इसको लेने से। मैं बात कर रही हूँ लहसुन की। लहसुन के अलग अलग तरीके से लेने से बहुत सारी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, आपको ऐसे ही लहसुन लेना है। ये पहाड़ी लहसुन बोलते हैं, थोड़े साइज इसके बड़े होते हैं और ये देशी होते हैं जो पहाड़ में निकलते हैं, और इसके बहुत ही अनेकों फ़ायदे हैं दोस्तों जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अरे लहसुन खाने से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, इससे अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग आयुर्वेद जड़ी बूटियों के साथ, अलग अलग समय पर आपको कितने मात्रा में लेना है तभी आपको ये फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। दोस्तों देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लहसुन का जो छिलका है वो उतार लेंगे और यहाँ पे सिर्फ एक ही कली लेनी है। देखिए सिर्फ ये एक कली आपको लेनी है। यहाँ बहुत सारे लहसुन हैं लेकिन आपको सिर्फ एक कली लेनी है। सर्दियों के मौसम में एक कली ले लें और जब गर्मी हो तो आधा ले लें अगर बड़े साइज का लहसुन है तो। दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगी जो माताओं बहनों को, जिनको काफ़ी दर्द रहता है, शारीरिक समस्या है, मासिक धर्म की परेशानी है, मासिक धर्म से जुड़ी हुई जो भी परेशानी है, तो उनको क्या करना है, ये देखिए एक बड़ी सी, अगर ए लहसुन की बड़ी कली है तो एक कली ले, छोटी हैं तो आप दो ले लें सर्दी के मौसम में, गर्मी में छोटी एक ही ले और बड़ी हैं तो उनका आधा ले। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद आप क्या करना है, आपको एक पतीला लेना है। पतीला में लेना है आपको 1 कप पानी, बड़े कप से पानी ले लें और इसको मीडियम फ्लेम पे पानी को उबलने दें। जब पानी हल्का उबाल आने लगे तो इसमें ये डाल दें लहसुन का कटा हुआ ये कली, और इसको डाल के आपको उबालना है 3 से 4 मिनट के लिए। दोस्तों मीडियम फ्लेम पे आपको उबालना है तो इससे जो भी आपको जो इससे जुड़ी समस्या है वो आपको ठीक हो जाएंगी। लेकिन इसको किस चीज़ के साथ लेना है देखते रहिए दोस्तों। ये जो क्या करेगा ना, जो खून जो आपका मोटा हो गया है उसको ये पतला करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा, कोलेस्ट्रॉल तक को ये दूर करता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिनके शरीर में बढ़ जाते हैं उनको भी ये ठीक करता है। तो किस तरह से प्रयोग करना है ये ज़रूरी है और किस चीज़ के साथ इसे लेना है ये भी ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे हो गया है 3 मिनट से ज़्यादा, तो हम अभी बंद कर देंगे गैस फ्लेम और इसको हल्का गुनगुना करने तक ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हल्का गुनगुना होने तक इसे हम ठंडा कर लेंगे। और इसे हमें लेना है सतावरी के साथ। दोस्तों सतावरी बहुत ही आसानी से आपको पंसारी के दुकान पर मिल जाएगा, पंसारी के दुकान पर मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, या फिर कोई भी आयुर्वेदिक दुकान अगर है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सतावरी अगर चूर्ण के रूप में है तो आपको एक छोटे चम्मच से आपको 1/3 यानी बहुत ही थोड़ा सा एक चुटकी आपको लेना है, पहले वो ले लें और फिर ये पानी आपको हल्का गुनगुना आपको पी जाना है बैठ के सिप सिप करके। और अगर टैबलेट के फॉर्म में है, कैप्सूल के फॉर्म में, तो आपको एक ही लेना है उसे और पहले वो खा लेना है, इस पानी की मदद से सिप सिप करके आपको पीना है और उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जितने भी उससे जुड़ी समस्या है, महावारी से जुड़ी समस्या है, मासिक धर्म से जुड़ी समस्या है, वो सारा कुछ उससे दूर हो जाएगा। तो चलिए अभी जानते हैं, जिनको भी हार्ट दर्द होता है, हार्ट ब्लॉकेज है, पहले से हार्ट अटैक आ चुका है या फिर हार्ट में ब्लॉकेज हो गई हैं, तो उनके लिए अभी कैसे इसको लेना है, करना है। सिर्फ एक कली आपको लेना है, देख रहे हैं यहाँ पर, और इसको कूटना है और इसके साथ आपको लेना है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल का भी एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और दोनों को एक साथ आपको अच्छी तरह से कूट लेना है। ये आपको अर्जुन की छाल है वो आपको आयुर्वेदिक दुकान पे मिल जाएगी, नहीं तो आपको पंसारी दुकान पे आपको ज़रूर से मिल जाएगी। तो देखिए दोनों को हमने कूट लिया है। मात्रा का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, हमने बताया सिर्फ एक ही लेना है। फिर दोनों को कूटने के बाद आपको क्या करना है, 1 कप पानी यहाँ लेना है बर्तन में और उसमें थोड़ा उबाल आने देना है मीडियम फ्लेम पे। 100 ml पानी आप समझ सकते हैं लेना है और दोनों को रख दो जो कूटा था आपने, और दोनों को आपको उबाल लेना है। इसको अच्छी तरह उबालना है मीडियम फ्लेम पे, कम से कम इसको 4 से 5 मिनट आप उबालें। और जब ये पानी आपको आधा का हो जाए, बिल्कुल आधा हो जाए ये पानी, तब तक आप इसको उबालना है। और इसके बाद आपको 4 मिनट देख लें टाइम, निकाल लें और इसको आपको छान लेना है। छानने के बाद आप क्या करें कि इसको आपको
सुबह सुबह आपको पीना है, हल्का गुनगुना ही पीना है, चाय की जगह जैसे पीते हैं सिप सिप करके बैठ के आपको आसानी से इसे पीना है। इससे आपको क्या होगा ना, इस पानी के सेवन करने से आपका खून की जो कमी है, कैल्शियम की कमी है, खून गंदे हो गए उनको भी साफ़ करेगा, सभी को ये दूर करेगा। आपको अगर मान लो अगर फंगल इन्फेक्शन है दोस्तों, पूरे शरीर में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, बालों में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, खुजली रहती है, तो आप इस पानी से नहा लें, बाल को धो लें, आपके सारी जो समस्या है खुजली का, फंगल इन्फेक्शन का, फंगल वाले घाव हो गए हैं, दाने निकल आए हैं, सारा कुछ इससे ठीक हो जाएगा। ध्यान रखें आप गर्मियों के मौसम में ये जो पानी है इसका आधा ही आपको पीना है, और सर्दी के मौसम में आप आधा ग्लास पानी पी सकते हैं। इस बात का आपको क्वांटिटी ध्यान रखना है, ऊपर नीचे मात्रा आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये हड्डियों के दर्द के लिए भी रामबाण है। अगर आपको नींद नहीं अच्छे से आती है तो भी आप इसे ले सकते हैं, आपको नींद अच्छी आएगी। पुरुषों के लिए भी बहुत, पुरुषों की समस्याओं को भी ये दूर करेगा। पुरुषों की समस्या है अगर तो आप इसके हनी के साथ ले सकते हैं एक कली, तो आप पुरुषों में जितनी भी समस्याएं होती हैं वो सारा कुछ इससे निदान मिलेगा उनको। एक कली बस आपको जो हनी है यानी मधु है उसके साथ आपको एक चम्मच मधु ले लें, उसकी समस्या आपको दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों जब बात करते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिनको अलग अलग बीमारियां आए दिन लगती रहती हैं, कभी सर्दी हो जाता है, कभी जुकाम हो जाता है, कभी कुछ अलग बीमारी लग जाती है, हमेशा वो परेशान रहते हैं, जिनको RBC और WBC की समस्या है, या फिर जिनको लिम्फोसाइट्स का प्रॉब्लम है, बढ़ गया है ये सारा कुछ या कम हो गया है, तो भी इससे आपको क्योर मिलेगा आपको, यानी इससे आपका बहुत आराम मिलेगा। तो उनको क्या करना है कि एक कली लेना है, सिर्फ एक कली लेना है दोस्तों, और इसको दूध के साथ, गुनगुना दूध, गाय की दूध होनी चाहिए, गुनगुना दूध आपको लेना है और इसे भी आपको सुबह सुबह पीना है। तो जिनको भी अब बात कर लेते हैं, जोड़ों की समस्या है, जोड़ों में दर्द रहता है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, वेरिकोस पेन हो गया है, हड्डियों में दर्द रहता है, जब उठने बैठने में जो बूढ़े लोग हैं उठते हैं बैठते हैं तो हड्डियों से कटकट की आवाज़ आती है, उठने बैठने में काफ़ी तकलीफ आता है, जिनके घुटनों में ग्रीस की कमी हो गई है, ग्रीस ख़त्म हो गया है, डॉक्टर ने कह दिया है कि अब घुटने रिप्लेसमेंट कराने पड़ेंगे, विटामिन डी की समस्या आ गई है, तो उनको क्या करना है, इसको कैसे लेना है, तो देखिए उनको सिर्फ ये एक कली खाना है, लेकिन कैसे खाना है मैं बताती हूँ। आपको क्या करना है, ये लहसुन को आग पे आपको पकाना है, ठीक है, जैसा मैं दिखा रही हूँ ये आग में आपको पका लेना है इसे अच्छी तरह से। जब ये पक जाएगा तो फिर उसके बाद आपको सिर्फ एक कली इसका लेना है और इसको छील लेना है, आपको इसके जो छिलके हैं वो ना खाएं, छिलके को उतार लें, और इसको रात में आपको सोने से पहले आपको इसे खाना है, चबा चबा कर खाना है। आपको जितनी भी दर्द की समस्या है, घुटने में दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, वो सारा कुछ इससे दूर होगा। यहाँ तक कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल का भी जिनको प्रॉब्लम है उसकी भी समस्या इससे बहुत हद तक कम हो जाएगी। जिनका भी वज़न बढ़ गया है वो इसको सुबह सुबह इसे ऐसे ही पकाकर सुबह सुबह खाएं, पेट में जो लटकती हुई चर्बी हैं वो भी दूर हो जाएंगी। लेकिन जो जोड़ों वाले दर्द वाले लोग हैं, जिनको घुटनों में दर्द है, वो इसे रात को खाएं, एक कली सिर्फ खाना है। गर्मी के मौसम में इससे अगर छोटी वाली है तो एक लें, बड़ी अगर कली है तो आधा ही लें। दोस्तों मात्रा का बहुत ध्यान रखना है, तो एक बार और मैं बता दूं आपको, अगर ये बड़ी कली है यानी, तो ये सिर्फ आपको सर्दी के मौसम में आप एक ले सकते हैं जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन अगर गर्मी का मौसम है तो अगर इसका आधा ही ले, और छोटी कली है तो आप एक ले सकते हैं दोस्तों। तो जिनको भी पेट की चर्बी की समस्या है, लटक रही है पेट, तो उनको क्या करना है, सुबह लेना है खाली पेट इसे ऐसे ही पकाकर, और रात में लेना है। जिनको भी हड्डियों का प्रॉब्लम है या दर्द का प्रॉब्लम है, तो सारा कुछ आपको फ़र्क सिर्फ 3 दिनों में आपको फ़र्क मिलेगा। दोस्तों वीडियो को शेयर करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको फ़र्क मिला या नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सारे भाई बहनों इसका फ़ायदा उठा सकें, और शुक्रिया।